ईरान की सेना ने शनिवार देर रात भारतीय समय अनुसार 3 बजे इसराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया। अमेरिकी सेना ने कुछ ड्रोन मार गिराए। वहीं इसराइल के आयरन डोम ने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को रोका। कुछ ड्रोन्स को सीरिया और जॉर्डन में भी मार गिराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। दरअसल 1 अप्रैल को इसराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इसराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र, जर्मनी ने इसराइल पर ईरान के इस हवाई हमले की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहूदी राष्ट्र इसराइल के प्रति अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और हालात पर विचार विमर्श के लिए आगे और कार्रवाई के लिए G7 देशों के नेताओं से बैठक बुलाने की बात कही है। बाइडेन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शनिवार को फोन पर बात की। बाइडेन ने कहा, हमें लगभग सभी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराने में इसराइल की मदद की। ईरान, यमन, सीरिया और इराक के उसके हमदर्दों ने आज इसराइल पे सैन्य प्रतिष्ठानों पर निशाना बनाते हुए अप्रत्याशित हमला किया है। मैं इस हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इसराइल की मदद करने के लिए उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने पिछले हफ्ते ही उस क्षेत्र में विमान और बैलिस्टिक मिसाइल के रक्षा विध्वंसक भेजे थे। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि हमला खास ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि शनिवार देर रात ईरान ने हमला किया, उस पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दागी। एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागी गई हैं, जिसमें 99% हवा में ही नष्ट कर दी गई। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ईरान के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हाल में हमले के बाद इसराइल पर हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के संदर्भ में अपनी कार्रवाई बताया। ईरान ने इस कदम को पश्चिम एशिया में पहले से ही तनावपूर्ण और नाजुक शांति और सुरक्षा की स्थिति को और खराब कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसराइल के खिलाफ ईरान के हवाई हमले को स्पष्ट रूप से उसकी निंदा की है। कहा, हम इसराइल के साथ हैं। हमास के 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन करने के बाद ईरानी शासन का अब ये कदम इस क्षेत्र को और अस्थिर कर देगा। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिकी सेना क्षेत्र में अपने सैनिकों और भागीदारों की रक्षा करने और इसराइल की रक्षा करने के लिए अत्यधिक सहायता प्रदान करने की स्थिति पर है और तत्पर तैयार है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।